सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऐसे सात और पात्र है जो आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं और जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो काल था वो विद्वानों के अनुसार ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व का था। हालांकि ये विद्वानों की गणना है, विद्वानों की गणना के अनुसार आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी का काल था। पुराणों की जो गणना है, पुराणों की जो धारणा है वो कुछ और बताती है। सात चिरंजीवी जो माने जाते हैं उसमें सबसे पहले हनुमान जी। हम सभी जानते हैं कि राम भक्त हनुमान जी आज भी जीवित है और भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता की कृपा से एक कल्प तक उनको धरती पर सशरीर रहने का वरदान मिला है। उनका मूल निवास पृथ्वी के ऊपर द्रोणागिरी पर्वत को भी माना गया है। दूसरा है विभीषण। श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान दिया था। वो भी सप्त चिरंजीवी में से एक है और आज भी सशरीर विद्यमान है। तीसरा है काकभुशुंडी। काकभुशुंडी वो थे जिन्होंने भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाई थी और इनको लोमश ऋषि से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। दरअसल लोमश ऋषि ने काकभुशुंडी को श्राप दिया था, जिस श्राप से वो कौवा बन गए थे। बाद में लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने काकभुशुंडी को राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। इस तरह से काकभुशुंडी है उनको भी अजर अमर माना जाता है। कहते हैं कि काकभुशुंडी को कौवा बनने के बाद राम मंत्र मिला था, इसलिए उन्होंने पूरा जीवन इसी शरीर के साथ यानी कि कौवा बनकर ही व्यतीत किया था और उनको भी चिरंजीवी माना जाता है। उनको अपने इसी शरीर से बाद में प्रेम हो गया था क्योंकि राम मंत्र उनको कौवे का शरीर प्राप्त होने के बाद ही मिला था। अगले है यानी कि चौथे जो पात्र है वो है लोमश ऋषि। लोमश ऋषि को परम तपस्वी एवं परम विद्वान माना जाता है। पुराणों के अनुसार ये भी अमर है। महाकाव्य महाभारत में इनका उल्लेख आता है कि वो पांडवों में सबसे बड़े यानी कि ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और सभी तीर्थों का जो महत्व है वो सभी पांडवों को समझाते हैं। कहते हैं कि लोमश ऋषि थे वो बड़े बड़े रोम वाले थे, उनके रोम बहुत बड़े थे और उनको भगवान शिव से ऐसा वरदान मिला था कि जब मेरा पहला रोम गिले, जब मेरे शरीर से पहला रोम जब गिर जाए वो एक कल्प के बाद ही गिरे, एक कल्प से पूर्व मेरे शरीर का एक भी रोम न गिरे, यानी कि जब गिर जाए तब एक कल्प व्यतीत हो जाए तभी गिरे और जब मेरे शरीर के सभी रोम गिर जाए उसी वक्त मेरी मृत्यु हो। इस गणना के आधार पर उनको भी अजर अमर माना जाता है, लोमश ऋषि को। फिर अगले है जामवन जी। जामवन जी एक ऐसे पात्र है, एक ऐसे कैरेक्टर है जो सतयुग से मौजूद है और जो रामायण काल में भी थे। वो अग्नि के पुत्र थे। जामवन जी को भी भगवान श्री रामचंद्र जी से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ है। इस तरह से वो आज भी अजर अमर माने जाते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय देवताओं की सहायता के लिए जामवन जी का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। हालांकि उनका जन्म सृष्टि के आदि के सतयुग में, सृष्टि का जो प्रथम कल्प माना जाता है उसके सतयुग में जामवन जी का जन्म हुआ था और वो आज भी जीवित बताए जा रहे हैं पुराणों के अनुसार। छठे है मुचुकुंद। मुचुकुंद की जो कथा है वो बहुत बड़ी है, इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुचुकुंद जो थे वो मांधता के पुत्र थे और त्रेता युग में वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। सातवें जो है वो है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार थे। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे
और उनको भी पुराणों के अनुसार अजर अमर माना गया है। महाभारत के जितने भी महारथी थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, अंगराज कर्ण हो, इन सभी के गुरु भी वो थे। परशुराम जी भी पुराणों के अनुसार आज भी अजर अमर है और वो भी हर काल में पाए जाते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।